यस सरकार, सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, सेक्शन नंबर 22 से लेकर सेक्शन नंबर 30 तक, प्लस TDS और TCS, ये सब कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो आप अपनी फ्लाइट के सीट बेल्ट बांध दीजिए, दिल थाम की बेटे का। सेक्शन नंबर 22 सब सेक्शन 1, सर रजिस्ट्रेशन किसको करवाना है? सरकार सुनो ध्यान से, चैप्टर नंबर 10 रजिस्ट्रेशन। सर, एवरी पर्सन, एवरी सप्लायर हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन अ फाइनेंशियल ईयर एक्सीड्स 20 लाख, उसको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा इन एवरी सच स्टेट और यूनियन टेरिटरी फ्रॉम वेयर ही इज मेकिंग अ टैक्सेबल सप्लाई। तो जिन स्टेट से वो टैक्सेबल सप्लाई कर रहा है, उन सब स्टेट में उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत पड़ेगी। पर जहाँ से वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं कर रहा है, देयर ही इज नॉट लाइबल टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड। और हाँ, अगर आप स्पेशल कैटेगरी स्टेट में लोकेटेड हो, तो आपका एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट विल बी 10 लाख पर स्पेशल कैटेगरी स्टेट की रिक्वेस्ट पर। सर, सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल एग्रीगेट टर्नओवर को बढ़ा सकता है। और हाँ, एट प्रेजेंट केवल 4 ही स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जिनका टर्नओवर 10 लाख रुपए है, बाकी सबका 20 लाख हो चुका है बेटा। अब वो 10 लाख कौन कौन से स्टेट बेटा? सर, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, यहाँ पर 10 लाख का लिमिट है, बाकी सब जगह कितना हो गया है? 20 लाख का लिमिट हो गया। प्लस सर, सर ध्यान देना, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो, आई रिपीट, गुड्स सप्लाई करते हो, वो भी इंट्रास्टेट, तो ऐसे केस में आपके लिए रजिस्ट्रेशन का लिमिट 40 लाख रुपये कर दिया गया है। और हाँ सर, वहाँ पे कुछ 10 एक्सेप्शन दे रखे, 10 स्टेट में भी 20 लाख का है, पर अगर आप गुड सप्लाई करते हो तो 40 लाख का बेनिफिट है, ये हम आगे बात करने वाले हैं। अच्छा, जिनके नवंबर 20 एग्जाम्स है उनके लिए तो यहाँ पे सेक्शन 22 में एक लोकल अथॉरिटी भी दे दिया, और लोकल अथॉरिटी देखिए यहाँ पे प्रोवाइज़ ऐड कर दिया और बोल दिया कि गवर्नमेंट चाहे तो 40 लाख तक का बेनिफिट दे सकती है, और जो पहले से दे रखा था बेटा। तो सर, एक्ट में सच कुछ चेंज नहीं हुआ है, एक्ट में प्रोवाइज़ ऐड करके पावर दे दिया, पर ये पावर गवर्नमेंट ने ऑलरेडी सर पहले नोटिफिकेशन थ्रू यूज़ करके 40 लाख का बेनिफिट वैसे भी दिया था। ओके सरकार, सुना मेरी बात से, अगर आप सर प्रीवियस लॉ में ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे तो कंपलसरी नए लॉ में आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाएगा, अब कोई खास बात नहीं है। अच्छा, अगर आपका बिजनेस कभी टेक ओवर हुआ है, चेंज ऑफ ऑनरशिप हुआ है, तो नए रजिस्ट्रेशन आपको, नया जो ट्रांसफरी है उसका नया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि पैन नंबर चेंज होता है बेटा। अच्छा, कभी भी अमलगमेशन मर्जर टेक ओवर होता है, तो ऐसे केस में कंपनी सी केस में बेटा, जिस दिन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज जब नया सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन देता है, वहां से उसको रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई थी, क्योंकि तब से पेन नंबर इश्यू था बेटा। ओके सरकार, ध्यान देना, जॉब वर्क के केस में केवल जॉब वर्क चार्जेस वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा एग्रीगेट टर्नओवर के पर्पज के लिए। सर, ऑल इंडिया बेस में जितनी ब्रांचेस है सबको टर्नओवर, सबका टर्नओवर ऐड करके फिर हम देखते हैं कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना होगा बच्चों। पर हाँ, जॉब वर्कर अगर आप हो तो ऐसे केस में केवल जॉब वर्क चार्जेस इंक्लूड करेंगे, वैल्यू ऑफ गुड्स आपके वैल्यू का पार्ट नहीं बनता है। सेकेंड, अगर आप सर एजेंट हो जो प्रिंसिपल की बिहाफ पे खुद सप्लाई करता है और खुद का इनवॉइस इश्यू करता है, तो ऐसे केस में एजेंट के टर्नओवर में सर जो वैल्यू होता है वो सप्लाई खुद कर रहा है एजेंट खुद सप्लाई कर रहा है गुड्स, तो ऐसे केस में गुड्स का वैल्यू भी एजेंट के वैल्यू में काउंट करता है। पर वैसे भी इस तरह के एजेंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, भली टर्नओवर कितना भी हो जाए, सेक्शन नंबर 24 के अकॉर्डिंग। ओके सर, ध्यान देना, अब मेरा मान लो मेरे इंडिया में सर बहुत सारी ब्रांचेस है, सारी ब्रांचेस का टर्नओवर ऐड करके फिर देखेंगे कि एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। और हाँ, अगर वो 4 स्टेट में मेरी ब्रांच है तो एग्रीगेट टर्नओवर का लिमिट विल बी 10 लाख ओनली, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ध्यान देना बड़ा, पूरे इंडिया में मान लो मेरी एक ब्रांच है महाराष्ट्र में, एक ब्रांच है सर त्रिपुरा में, तो ऐसे केस में एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट विल बी 10 लाख ओनली, क्योंकि मेरी एक भी ब्रांच लायबल टू रजिस्टर है, तो मेरी सारी ब्रांच को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी हो जाएगा बच्चों। और हाँ, इसलिए सर, अगर एक भी ब्रांच मेरी इन 4 स्टेट में है तो पूरे इंडिया के लिए मेरे एग्रीगेट टर्नओवर लिमिट हो जाएगा कितना? 10 लाख रुपए। ओके, पर अगर मान लो मैं किसी स्टेट से केवल अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन या वो पेट्रोलियम गुड्स बेच रहा हूँ जिन पे GST लेवी नहीं होता है, तो ऐसे केस में उस स्टेट में मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर मान लो सर त्रिपुरा से मैं केवल अल्कोहल बेच रहा हूँ बेटा, अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, और महाराष्ट्र मेरा रेस्टोरेंट मान लो, तो ऐसे केस में सर त्रिपुरा में मैं लायबल टू रजिस्टर हुई नहीं बेटा। जब मैं त्रिपुरा में लायबल टू रजिस्टर हुई नहीं, तो वहाँ का टर्नओवर लिमिट जो 10 लाख है वो नहीं देखेंगे, मैं लायबल टू रजिस्टर केवल कहाँ पे हूँ बेटा? महाराष्ट्र में। तो सर 20 लाख का लिमिट अप्लाई होगा। पर हाँ, एग्रीगेट टर्नओवर देखते वक्त एग्रीगेट टर्नओवर में नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आता है, इसलिए अल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन अगर बेचा है त्रिपुरा से तो टर्नओवर में तो ऐड होगा, पर टर्नओवर लिमिट विल नॉट बी रिड्यूस टू 10 लाख बेटा। ओके माहौल, सरकार अगला पॉइंट बताया क्या सर? सेक्शन 23 की किन किन को एग्जम्पशन दिया है रजिस्ट्रेशन से, सेक्शन 23 सबसेक्शन 1 बोलता है क्या? फर्स्ट, अगर आप एक्सक्लूसिवली एग्जम सप्लाई ही कर रहे हो या नॉन लेवेबल टू GST वाला गुड सप्लाई करते हो या सर्विस सप्लाई करते हो जिसमें GST लेवी नहीं होता है, या ऐसा गुड्स है या ऐसा सर्विस है जिसमें GST एग्जम किया है और एक्सक्लूसिवली वही सप्लाई करते हो, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है। सेकेंड, अगर आप एक एग्रीकल्चरलिस्ट हो बेटा जिसका रेवेन्यू आता है आउट ऑफ द कल्टीवेशन ऑफ लैंड ओनली, तो ऐसे केस में उसको भी रजिस्ट्रेशन जरूरत नहीं है, ऑल्दो वो टैक्सेबल गुड्स बेचता हो। जैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस 90% एग्जम्प्ट भली, पर सारे एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल गुड्स बेचता हो अगर, पर वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर है,
और वो अगर फार्मर है, एग्रीकल्चरलिस्ट है, उसका कोई और रेवेन्यू नहीं है, आउट ऑफ द आउट ऑफ द कल्टिवेशन ऑफ लैंड से ही रेवेन्यू है, तो ऐसे केस में उसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। देन सर सेक्शन 23 सबसेक्शन 2 ने गवर्नमेंट को पावर दिया, गवर्नमेंट चाहे तो कुछ कैटेगरी ऑफ गुड्स या कुछ कैटेगरी ऑफ पर्सन को नोटिफाई करके बोल सकती है कि इनको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, और वो पावर यूज करके कुछ लोगों को नोटिफाई किया। फर्स्ट नोटिफाई किया वो क्या है कि आप ऐसे कोई पर्सन हो जो ऐसा कोई आउटवर्ड सप्लाई देते हो जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट की लायबिलिटी आती है, आपकी लायबिलिटी आती ही नहीं है। जब आपकी लायबिलिटी आती ही नहीं तो आप रजिस्ट्रेशन कराए क्या करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, भले आपके टर्नओवर कितना भी हो जाए। सेकंड जो एग्जीबिशन दिया है वो दिया है क्या, यहां से पावर यूज किया था पर अभी अथॉरिटी मिल गई सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 की, और वहां बोल दिया क्या, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो, अगर आप एक्सक्लूसिवली गुड्स सप्लाई करते हो और गुड्स का टर्नओवर आपका सर 40 लाख से कम है, तो ऐसे केस में आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सर कितना बेटा, 40 लाख, पर हाँ वहाँ पे कुछ एक्सेप्शन दिए बेटा, आई रिपीट, सर आप केवल एक्सक्लूसिवली गुड सप्लाई करते हो तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करना है जब तक आपका टर्नओवर 40 लाख क्रॉस नहीं हो जाए बेटा। हाँ है ना, आपकी चॉइस है, आप चाहे तो रजिस्ट्रेशन ले वरना 40 लाख का बेनिफिट दे दिया बेटा आपको, एक्सक्लूसिवली गुड्स के लिए, सर्विसेज के लिए नहीं बेटा। पर हाँ सर ध्यान देना, कुछ एक्सेप्शन, फर्स्ट सबसे पहली बात, अगर आपको सेक्शन 24 के थ्रू कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है तो बात ही खत्म हो जाएगी बेटा, फिर 40 लाख की बेनिफिट की बात नहीं आएगी। सेकंड, अगर आप इन तीन गुड से सप्लायर हो, तीन गुड से सप्लायर, सर आइसक्रीम वेदर नॉट कंटेनिंग कोकोआ, देन पान मसाला, देन गुटका या टोबैको बेस्ड गुड्स, अगर आप इनके सप्लायर हो तो आपको 40 लाख का बेनिफिट नहीं है। पर ध्यान रखना यहाँ पर सर, अभी तक वो कोल्ड ड्रिंक्स ऐड नहीं किया, एरेटेड वाटर कंटेनिंग एडेड शुगर्स, क्लियर, वो यहाँ पे ऐड नहीं किया, मतलब अभी यहाँ पे तीन गुड्स ही है बेटा, क्लियर। तो इन केस ऑफ जीएसटी 40 लाख का बेनिफिट मिलेगा, पर 10 स्टेट ऐसे है जहाँ पे अभी भी 40 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है, उसमें से 4 स्टेट तो वही है, कौन से, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, यहाँ पे 10 लाख का बेनिफिट है। उसके अलावा 6 स्टेट और है, कौन से, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय सर, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना और उत्तराखंड, यहाँ पे 20 लाख का बेनिफिट है, और इसके अलावा सारे स्टेट में कितना है, 40 लाख, और उन 4 स्टेट में 10 लाख का बेटा। अच्छा, आप सर्विसेज सप्लाई करते हो तो सर ध्यान देना, सर्विसेज के इसमें तो 20 लाख का बेनिफिट है, 40 लाख का नहीं है, और हाँ वो 4 स्टेट में हो तो गुड्स हो या सर्विस हो, सबके केस में 10 लाख का लिमिट ही है बेटा। और हाँ एक बात और ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं, 40 लाख का बेनिफिट नहीं लेना, मतलब या आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हो और आप चाहते हो कि मेरे को 40 लाख का बेनिफिट नहीं चाहिए, चल रहा है चलने दो, हमें क्या दिक्कत है बेटा, क्लियर। ये फैसिलिटी दी लेना तो लो वरना मत लो, ओके। सरकार यहाँ पर अब एक बात आती थी, एक लॉ में डिफेक्ट था, लॉ में डिफेक्ट क्या था, मान लो मैं गुड्स बेचता हूँ, केवल गुड्स बेचता हूँ, इंटरेस्टेड बेचता हूँ बेटा, क्लियर, मेरा टर्नओवर 40 लाख से कम है, और मैं मान लो मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ, जहाँ 40 लाख का बेनिफिट मिलता है, तो ऐसे केस में आई शुड बी एंगेज एक्सक्लूसिवली इन सप्लाई ऑफ गुड्स, पर मान लो मेरा FD है, सेविंग अकाउंट है, उसमें इंटरेस्ट होता है बेटा, अब इंटरेस्ट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, ऑल द एग्जाम तो क्या हुआ है, तो सर्विस, तो सर ऐसे केस में तो 40 लाख के बेनिफिट लिए कोई एलिजिबल नहीं रहेगा, इसलिए सर अमेंडमेंट कर दिया, पर अमेंडमेंट नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, जुलाई 20 अगर आपके एग्जाम्स तो एप्लीकेबल नहीं है, पर हाँ अगेन ये क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है, इसलिए जुलाई 20 में भी अगर आप एग्जाम्स में कोई क्वेश्चन आता है तो अगर ये आंसर लिखते हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिखा है क्या, अगर आप इंटरेस्ट अर्न करते हो, क्या अर्न करते हो बेटा, इंटरेस्ट, सर अगर आपने सर्विसेज दी बाय वे ऑफ एक्सटेंडिंग लोन्स, एडवांसेस और डिपॉजिट्स इन सो फार एज द कंसीडरेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, तो ऐसे केस में ये माना जाएगा कि आप गुड्स ही सप्लाई करते हो, आप सर्विसेज सप्लाई नहीं करते हो, एंड यू विल बी एलिजिबल फॉर 40 लाख वाला बेनिफिट बेटा। पर हाँ 40 लाख का लिमिट देखते वक्त एग्रीगेट टर्नओवर में ये इंटरेस्ट का इनकम तो काउंट करेंगे बेटा, पर आपको इन एलिजिबल नहीं करेंगे इस 40 लाख के बेनिफिट के लिए बच्चों, क्लियर। और ये पॉइंट इस बार एक्सप्लेनेशन ऐड करके सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 में ऐड कर दिया सर, जो नवंबर 20 के लिए रिलेवेंट है। अच्छा जुलाई 20 अगर आपके हैं तो उस टाइम ये पॉइंट नहीं था बच्चों, कि इंटरेस्ट को हम इंटरेस्ट इनकम अगर है तो आप एलिजिबल रहेंगे कि नहीं रहेंगे, ऐसा कुछ बोला नहीं, पर हाँ ये क्लेरिफिकेटरी नेचर का अमेंडमेंट है सर, अगर इंटरेस्ट इनकम अगर आपकी है और आपको इन एलिजिबल कर दे तो ऐसे केस में तो जिंदगी में ये वाला बेनिफिट किसको मिलेगा बेटा, ओके। सरकार आधा पॉइंट अगला नेक्स्ट, सर ध्यान देना बेटा, एक और किसको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, एक और एग्जेम्पशन दिया है, पर वो एग्जेम्पशन आपको सेक्शन 24 पढ़ूंगा उसके बाद समझ में आएगा बेटा, ओके। सेक्शन 24 बोलता है क्या, किन किन को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सर ध्यान देना, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर टर्नओवर, सर नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंड इन सेक्शन 22 सबसेक्शन 1 फॉलोइंग लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, फर्स्ट अ पर्सन हु इज एंगेज इन इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स, बच्चों इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ सर्विस अगर कर रहे हो तो अगेन एग्जिबिशन का पावर यूज करके गवर्नमेंट ने बोल दिया कि 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा सर्विसेज के केस में, तो इंटर स्टेट आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स करते तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सेकंड कैजुअल टैक्स पर्सन, थर्ड NRTP सुना बेटा, फोर्थ अगर आउट ऑफ इंडिया से ऑनलाइन इंफॉर्मेशन और डेटाबेस एक्सेस और रिट्रीवल सर्विसेज आप इंडिया में प्रोवाइड कर रहे हो
टू अ पर्सन हु इज नॉट लायबल टू रजिस्टर इन जीएसटी, देन आप टीडीएस के लिए लायबल हो, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स के लिए लायबल हो, तो इररेस्पेक्टिव फैक्ट कि आपका इस एक्ट में रजिस्ट्रेशन है या नहीं, सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। नेक्स्ट आईएसडी इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर, भले इस एक्ट में आप रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, आपको सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा। प्लस नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपने ऐसा कोई इन्वर्स सप्लाई लिया जिसमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में रेसिपिएंट लायबल, तो रेसिपिएंट को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। देन आप ऐसे किसी ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते हो गुड्स और सर्विस रोबोट जहां पर ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट द टीसीएस, तो ऐसे केस में सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, सप्लायर ऑफ सर्विस को अलग से एग्जम कर दिया है और सप्लायर ऑफ सर्विस को बोल दिया आप कंपलसरी रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, चल जाएगा 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा। वापस बोलता हूं बेटा, अगर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई करते हो, सर्विस छोड़ दो बेटा, अगर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड सप्लाई करते हो जहां पर टीसीएस एप्लीकेबल है, तो ऐसे सप्लायर ऑफ गुड्स को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है। सर्विसेज केस में भले टीसीएस एप्लीकेबल हो, 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा सप्लायर को। प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर उस पर टीसीएस कलेक्ट करने की लायबिलिटी आती है, तो आई रिपीट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसको टीसीएस की लायबिलिटी है उसको भी कंपलसरी ईसीओ को भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा बच्चों। क्लियर? जैसे अमेजन हो गया बेटा, अमेजन को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा अगर उस पर टीसीएस की लायबिलिटी आती है। तो सर सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5, सर याद है ओला उबर, तो ऐसे केस में जो सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 5 में पर्सन लायबल टू पे टैक्स होता है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्लस आप ऐसे कोई एजेंट हो जो गुड्स या सर्विस और बोथ सप्लाई करते हो ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, तो ऐसे केस में आपको भी क्या करना पड़ेगा, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, कोई बेनिफिट आपके लिए नहीं है। एंड सर गवर्नमेंट को पावर दिया कि वो चाहे तो कुछ और लोगों को भी नोटिफाई करके बोल सकती है कि आपको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, और एट प्रेजेंट किसी और को नोटिफाई नहीं किया बच्चों। ये सारे पॉइंट खत्म होते हैं अब कि किनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बेटा। ओके सर, एक बात और जहां कंफ्यूजन होता बच्चों को, टैक्सेबल पर्सन का मतलब क्या था, टैक्सेबल पर्सन मतलब अ पर्सन हु इज रजिस्टर्ड और लायबल टू बी रजिस्टर्ड, उसको बोलते हैं टैक्सेबल पर्सन। और सेक्शन नंबर 9 सबसेक्शन 1 जो लेवी वाला सेक्शन बोलता है क्या, टैक्सेबल पर्सन शैल बी लायबल टू पे टैक्स। अगर आप टैक्सेबल पर्सन हो और आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो भी आपसे हम टैक्स तो लेंगे, विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी लेंगे, और ध्यान रखना आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले पाएंगे क्योंकि आप टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप रजिस्टर्ड नहीं हो। प्लस आपको आईटीसी भी नहीं मिलेगा, बहुत सारे बवाल खड़े होने वाले हैं। क्लियर? ध्यान देना। ओके एक और बात सर, ये ईसीओ वाले पॉइंट में कुछ जगह कंफ्यूजन होता है, किसको रजिस्ट्रेशन कराना है किसको नहीं कराना है, कब टीसीएस लगता है कब नहीं लगता है। सुनना बच्चों ध्यान से, अगर आप ऐसे किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स या सर्विस सप्लाई करते हो जहां पर पेमेंट जो आता है वो पहले ईसीओ के अकाउंट में आता है और फिर ईसीओ का आपका अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो वहां पे ईसीओ इज लायबल टू कलेक्ट टैक्स एट द सोर्स 0.5% 0.5% सी और एस, और 1% अगर है तो आईजीएसटी है तो 1% बेटा। अच्छा सुनना बेटा, अगर पेमेंट डायरेक्ट सप्लायर के अकाउंट में आता है, ईसीओ के अकाउंट में नहीं आता, सब कस्टमर जो पेमेंट करता है तो डायरेक्ट सप्लायर का अकाउंट में आता है, तो वहाँ टीसीएस एप्लीकेबल नहीं है। ऐसे केस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन ना ईसीओ को है ना सप्लायर को बेटा, 20 लाख का बेनिफिट मिलेगा वहाँ पे। ओके एक और बात बेटा, जहाँ पे 9-5 अप्लाई होता है जैसे ईसीओ, ओला उबर या urbanclub.com, सुना बेटा ध्यान से, जहाँ 9-5 अप्लाई होता है, जहाँ 9-5 अप्लाई होता है वहाँ तो ईसीओ ही टैक्स पे करेगा, तो सारा लायबिलिटी भी ईसीओ का है, तो सारा रजिस्ट्रेशन का लायबिलिटी भी उसका है, सारा टैक्स भी उसको पे करना, सप्लायर को रजिस्ट्रेशन की जरूरत भी नहीं है क्योंकि जहाँ 9-5 लगता है वहाँ ईसीओ को ही सप्लायर मानते हैं। क्लियर? एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं आपके लिए, मान लो साहब ओयो रूम्स पे मैंने अपना एक फ्लैट रजिस्टर कर दिया और आई एम नॉट लायबल टू रजिस्टर। अब ध्यान रखना, होटल अकोमोडेशन सर्विस होगी बेटा एक तरह से थ्रू ईसीओ, सर जहाँ पे आई एम नॉट लायबल टू रजिस्टर, तो ऐसे केस में वो 9-5 में कवर है, 9-5 में कवर, तो पूरा टैक्स कौन पे करेगा, ईसीओ ओयो पे करेगा, मेरे को कोई लायबिलिटी नहीं है। अब ईसीओ को रजिस्ट्रेशन कराना है, मुझे रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। पर मान लो सर इस केस में बोला क्या, 9-5 तभी लगेगा इस वाले केस में अगर सप्लायर लायबल टू रजिस्टर नहीं है। अगर मान लो मैंने जिसने होटल का रूम दिया, एक तरह से अपना फ्लैट दिया है होटल की तरह यूज करने के लिए, मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस कर गया और आई एम लायबल टू रजिस्टर, तो ऐसे केस में 9-5 अप्लाई नहीं होता, 9-5 अप्लाई नहीं होगा तो आई एम लायबल टू रजिस्टर। अब ऐसे केस में मेरे को रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नाउ आई एम सप्लाइंग सर्विसेज थ्रू ईसीओ, अब 9-5 नहीं लग रहा बेटा, अब ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहा है और अगर पेमेंट ईसीओ के अकाउंट में पहले आता है तो ऐसे केस में यहाँ पर टीसीएस एप्लीकेबल होगा और ईसीओ दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ओयो टीसीएस कलेक्ट करेगा और गवर्नमेंट को पे करेगा और ऐसे केस में उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और मेरा भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा, पर वैसे भी मेरा टर्नओवर 20 लाख होगा तो ही यहाँ पे प्रोविजन अप्लाई होता है बेटा। ये क्लियर? डन सर, यहाँ तक पॉइंट समझे मेरा बेटा माहौल सरकार। अब सुनना बच्चों ध्यान से, अगर मैं गुड सप्लाई करता हूँ किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जहां पर पेमेंट पहले ईसीओ के अकाउंट में आता है फिर ईसीओ मेरा अकाउंट सेटलमेंट करता है, तो वहां टीसीएस एप्लीकेबल होता है और टीसीएस एप्लीकेबल होता है तो
ईसी को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है और गुड्स के इसमें सप्लायर को भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ये सारी कहानी मैंने ईसीओ की आपको पूरी रिपीट कर दी। सर समझे मेरी बात, माहौल ये था सेक्शन में 22, 23, 24 आ रहा है प्रोसीजर पार्ट कि साहब रजिस्ट्रेशन कराना तो व्हाट इज द प्रोसीजर। सुनना बच्चों ध्यान से, सेक्शन में 25, 26, 27 सुनना बच्चों ध्यान से सर एवरी। अच्छा उससे पहले कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी की बात कर लेता हूं मैं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी, अच्छा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या होता है बेटा, जो हमारे स्टेट में टेम्पररी आ रहा है, किसी स्टेट में टेम्पररी आ रहा है टू सप्लाई द गुड्स और सर्विस और बोथ, जहाँ पे उसका कोई फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। एनआरटीपी क्या होता है, अच्छा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ हिज बिजनेस। एनआरटीपी जो इंडिया में आ रहा है टेम्पररी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस करने के लिए, जिसका इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, कोई प्लेस ऑफ रेजिडेंस नहीं है, उसको बोलते हैं एनआरटीपी। मैंने जो एग्जांपल दिया था क्लास के अंदर उसके अकॉर्डिंग वो नेपाल से जो बिजनेसमैन आए थे टेम्पररी इंडिया में बिजनेस करने के लिए, गुड सप्लाई करने के लिए बेटा। क्लियर सरकार, अब पॉइंट आता है क्या, एनआरटीपी हो या कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, उसको एडवांस में कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, उसको 20 लाख का कोई बेनिफिट नहीं है। प्लस उसको यहाँ पे हमारे स्टेट में आने से पहले एडवांस में एटलीस्ट 5 डेज एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। क्लियर, प्लस एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी उसको एडवांस में पे करनी पड़ती है, तब जाके उसको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं तो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। प्लस इसके रिगार्डिंग सर्कुलर भी था, वो यहाँ बोल रहा हूँ, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को बोल दिया क्या एनआरटीपी, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन प्लस एनआरटीपी बोल दिया कि आप जब हमारे स्टेट में आएंगे रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आप टाइम लिखेंगे इतने टाइम के लिए मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए, तो उतने टाइम के लिए वैलिड रहेगा, बट इट शुड नॉट बी मोर देन 90 डेज। अब सर आपने जितने दिन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था उतने दिन के लिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर वैलिड है मान लो, अब उसके बाद आपका मन लग गया मेरे को मजा आ गया साहब हिंदुस्तान में और मेरे को कुछ टाइम और रहना है, तो यू कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन बट नॉट मोर देन 90 मोर डेज, और ज्यूरिसडिक्शनल कमिश्नर आपको 90 मोर डेज के लिए रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड कर सकता है बच्चा। क्लियर डन। अच्छा प्लस सर्कुलर एक और बात बोलता है कि अगर मान लो ओरिजिनली वो 90 डेज लिया था प्लस 90 डेज का उसने और एक्सटेंशन भी ले लिया और मिल भी गया उसको, टोटल 180 डेज हो गए, अब वो बोलता है नहीं मेरे को तो और रहना है, मजा आ रहा है इस स्टेट में सप्लाई करना है, तो ऐसे केस में सर्कुलर बोलता है अब इसके बियॉन्ड हमको रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंड करने का पावर नहीं है, उसको और रहना है तो वो एक रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा दे, एज अ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं रहे वो रेगुलर रजिस्ट्रेशन करा दे, और जो उसको दुकान अलॉट हुई थी जैसे आपने स्टॉल बुक करी थी बेटा, तो स्टॉल बुकिंग का या स्टॉक या स्टॉल अलॉटमेंट का जो लेटर होगा उसको ही हम एड्रेस प्रूफ मान लेंगे और उसके बेस पे आपको हम रजिस्ट्रेशन नंबर नॉर्मल रेगुलर स्कीम में दे देंगे बेटा आपको। क्लियर डन। पर 180 दिन से बियॉन्ड हम आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सटेंड नहीं कर सकते इनकेस ऑफ एनआरटीपी और कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। ओके सरकार ध्यान देना बेटा कि अगर आप नॉर्मली रजिस्टर्ड नॉर्मल पर्सन हो बेटा, अब सीटीपी और एनआरटीपी की बात खत्म होगी बेटा, आइए अगली बात बेटा। अच्छा एनआरटीपी की बार एक बात और कहता हूँ, एनआरटीपी ने कुछ भी परचेज किया है इनवर्स सप्लाई उस पर जो टैक्स पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता है, पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सारा क्रेडिट मिलता है बेटा। सेकंड बात, एनआरटीपी ने अगर कोई गुड्स इंपोर्ट किया है उस पर कस्टम पे किया, कस्टम के साथ आईजीएसटी पे किया ना केवल, उस आईजीएसटी का आईटीसी मिलता है, बाकी किसी का भी किसी और परचेस का कोई क्रेडिट नहीं मिलता है एनआरटीपी को। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हिंदुस्तान का आदमी दो सारा क्रेडिट को दिक्कत नहीं बेटा। ओके सर, अब नॉर्मल लोगों के लिए व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, सबसे पहली बात जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर हो उसके 30 डेज के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा 30 डेज के अंदर। क्लियर, और सर अगर आपने 30 डेज के अंदर अप्लाई कर दिया तो जिस दिन आप लायबल टू रजिस्टर थे वो डेट मानी जाएगी इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर 30 दिन के बाद अगर आपने अप्लाई किया तो जिस दिन ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको होगा, जिस दिन रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलेगा उस दिन मानेंगे देयर इज द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पर लायबिलिटी तो उस दिन से आएगी जिस दिन आप लायबल थे बेटा। थर्ड सर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन और एनआरटीपी केस में मैंने आपको बता दिया जब वो आएंगे उसके एडवांस 5 दिन पहले उनको एडवांस में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ओके सर, पर अगर आप लायबल टू रजिस्टर नहीं हो पर वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन कराना है तो आप करा सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर सर ऐसे केस में जिस दिन आपको ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा उस दिन आप रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएंगे, उस दिन से आप टैक्सेबल पर्सन कहलाएंगे, उस दिन से लायबिलिटी आएगी और उस दिन के स्टॉक आपको आईटीसी मिल जाएगा बच्चों। ओके सर, अब एक और बात, मेरी मान लो महाराष्ट्र में 4 ब्रांच है, क्या सबको अलग रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी? नहीं, मैं चाहूँ तो सर सिंगल रजिस्ट्रेशन लूँ और एक प्लेस को डिक्लेयर करूँ एज माय प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, बाकी 3 को एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, पर हाँ मैं चाहूँ तो जितनी मेरी ब्रांच है सेम स्टेट में भले ही सबका अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता हूँ, ये मेरी चॉइस दे दी बेटा। क्लियर, भले डिफरेंट बिजनेस वर्टिकल हो या नहीं हो मैं चाहूँ तो अलग अलग ब्रांच का अलग अलग रजिस्ट्रेशन नंबर ले सकता हूँ, पर मेरा एक ब्रांच महाराष्ट्र में, एक ब्रांच किसी और स्टेट या यूनियन टेरेटरी में, तो ऐसे केस में सर मैंने अगर एक ब्रांच का रजिस्ट्रेशन कराया है या एक ब्रांच रजिस्ट्रेशन की लायबल थी तो दूसरी ब्रांच का कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा उस स्टेट में, और अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो पैन नंबर होना कंपलसरी बेटा। और हाँ सर, मेरे अगर सेम पैन नंबर मल्टीपल रजिस्ट्रेशन नंबर है भले सेम स्टेट में है या मल्टीपल स्टेट में, तो ऐसे केस में ऑल दी पर्सन्स विल बी ट्रीटेड एज इफ दोज आर डिस्टिंक्ट पर्सन्स। क्लियर, और
जो मेरी एस्टेब्लिशमेंट है उनको बोलेंगे एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन. क्लियर? पक्का बच्चों? डन. अगर मैंने कंपोजिशन स्कीम लिया है तो मेरे को रजिस्ट्रेशन तो कराना पड़ेगा, और रजिस्ट्रेशन कराते वक्त मैं बोल दूंगा कि मेरे को कंपोजिशन स्कीम लेना है, या बाद में भी आप कंपोजिशन स्कीम ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है. ओके सर, ध्यान देना, अगर आप लायबल टू रजिस्टर थे पर अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ऑफिसर के पास पावर है, प्रॉपर ऑफिसर के पास पावर है कि वो चाहे तो सुओ मोटो आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर सकता है. और अगर आपको लगता है कि ठीक है गलती हो गई और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो उसने जब रजिस्ट्रेशन करा आपका कंपलसरी, उसके 90 डेज में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना. और अगर आपको लगता है कि नहीं 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 मेरे साथ बड़ी नाइंसाफी हुई, तो आप उसके अगेंस्ट क्या कर सकते हो? अपील फाइल कर सकते हो. अपील में आप जीत गए तो बहुत अच्छी बात है, अगर अपील में आप हार गए तो सर हारने के बाद 30 डेज के अंदर आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा. ओके सर, एक और बात, यूएन होल्डर्स, सर ध्यान देना, फॉरेन एम्बेसीज, यूनाइटेड नेशंस और मल्टीलेटरल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के अंदर है बेटा, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज एक्ट के थ्रू बेटा, यूनाइटेड नेशंस प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटी एक्ट के थ्रू जो भी पर्सन नोटिफाइड है उन लोगों को क्या करना पड़ता है, एक स्पेशल नंबर लेना पड़ता है, उसको बोलते हैं क्या, यूआईएन नंबर. ये यूआईएन नंबर क्यों लेते हैं बेटा वो लोग? सर इनवर्ट सप्लाई याद है बेटा आपको, इनवर्ट सप्लाई पर जो भी टैक्स पे किया, इनवर्ट सप्लाई जो भी परचेस करेंगे इनपुट्स वगैरह उस पर टैक्स पे करेंगे, और ये यूएन नंबर उनको देंगे सप्लायर को, और इन्होंने जितना भी परचेस किया उस पर जो टैक्स पे किया उसका रिफंड मिल जाएगा यूएन नंबर के थ्रू बेटा. और एक और सर्कुलर आया था वो बोलता था क्या, अगर इन यूएन होल्डर को कोई नॉर्मल सप्लाई करना है जिसमें नॉर्मल जीएसटी लगता है, तो ऐसे केस में इनको नॉर्मल रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ये यूएन नंबर जो है वो केवल इनवर्ट सप्लायर पे जो टैक्स पे किया उसके रिफंड के लिए बेटा. क्लियर माहौल? सरकार देना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर मेरी कोई यूनिट है या आई एम ए डेवलपर ऑफ एसोसिएट, तो भले ही मैं सेम स्टेट में हूँ, मेरे को उसके लिए सेपरेट नंबर लेना कंपलसरी है. क्यों? उसका कारण ये है कि बेटा एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच को अगर सप्लाई करते हो तो उसका कारण ये है कि एसोसिएट की यूनिट या डेवलपर को अगर आप कोई भी गुड्स या कोई भी सर्विस सप्लाई करते हो तो ऐसे केस में क्या होता है, जीरो रेटेड सप्लाई होता है. इसलिए अगर मेरी ब्रांच एक अंधेरी में है और एक और ब्रांच क्या है, अंधेरी में ही है, और अंधेरी सिब्स में बेटा दूसरी ब्रांच, तो आपने कौन सी ब्रांच को सप्लाई किया? अगर एसजेड ब्रांच को सप्लाई किया तो जीरो रेटेड सप्लाई होगा ना यार, इसलिए उसका सेपरेट नंबर होना कंपलसरी है. क्लियर? इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर को सेपरेट नंबर लेना पड़ेगा अगर उसको इनपुट सर्विस का क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करना है तो. सर टीडीएस अगर काटना है तो कंपलसरी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, भले सेपरेट नंबर है या नहीं है. एंड टीसीएस वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर उनको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होगा अगर टीसीएस की लाइब्रेरी आती है तो. अच्छा अब देना प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है बेटा? सर जीएसटी RG01 देना, ये प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये एनआरटीपी पे अप्लाई नहीं होता है, चार लोगों पे अप्लाई नहीं होता. किस पे? एनआरटीपी, देन जिन पे टीडीएस की लाइब्रेरी थी इंटरसेक्शन में 51, देन जिन पे टीसीएस की लाइब्रेरी थी इंटरसेक्शन में 52, और सर नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया के अंदर आप ओआईडीआर सर्विस दे रहे हो टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड इन इंडिया, ये चार लोगों को छोड़ दो, उन सबके अलावा जितने भी लोग हैं उनको ये फॉलोइंग प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा. दिल थाम के सुनेगा बेटा, पॉइंट ये है कि फॉर्म नंबर जीएसटी RG01 आपको फिल करना पड़ेगा. क्लियर? आप कॉमन पोर्टल पर जाएंगे, लॉगिन करेंगे, आप क्या करेंगे, एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा, फॉर्म नंबर GST RG01, उसका पार्ट ए फिल करेंगे, पार्ट ए में आएगा पैन नंबर, देन आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आप ये फिल करेंगे, फिर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ओटीपी से वेरीफाई कर लेंगे, पैन नंबर डाला तो इनकम टैक्स वेबसाइट से डायरेक्ट वो ऑटो फेच कर लेगा इन्फॉर्मेशन, और प्रोसीड हो जाएगी एप्लीकेशन. जैसे ही वेरीफाई हुआ पार्ट बी ओपन होगा बेटा. अच्छा एक बार TRN जनरेट हो जाएगा और आपको मिल जाएगा, उसके बाद उस TRN को यूज़ करके, TRN मतलब टेम्प्रेरी रेफरेंस नंबर, उसको यूज़ करके आप पार्ट बी ओपन करेंगे, पार्ट बी ओपन करके उसको फिल करेंगे बेटा. प्लस ध्यान रखना 1 अप्रैल 2020 से, ये नवंबर 20 के लिए बोल रहा हूँ अलग से, आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हो गया है. 1 अप्रैल 2020 के बाद जो भी लोग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे उनको आधार ऑथेंटिकेशन भी कराना पड़ेगा, पर ये पॉइंट July 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं है आधार ऑथेंटिकेशन वाला बेटा. ओके सुनो बात को ध्यान से, अब जैसे आप पार्ट बी फिल करेंगे आपको एक टेम्प्रेरी एक्नोलेजमेंट मिल जाएगा बेटा, पर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को एडवांस टैक्स पे करने के बाद एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी पे करेगा उसके बाद ये एक्नोलेजमेंट मिलेगा. अच्छा आपने पार्ट भी फिल कर दिया, एक्नोलेजमेंट मिल गया, आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड हो जाएगी किसको, प्रॉपर ऑफिसर को, प्रॉपर ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन को एग्जामिन करेगा, उसको लगता है एवरीथिंग इज फाउंड ओके, तो 3 वर्किंग डे के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा इन फॉर्म नंबर GST RG06 नंबर के फॉर्म में. पर अगर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है, उसको कोई क्लेरिफिकेशन और चाहिए, तो क्या करेगा, आपको एक नोटिस इश्यू करेगा, पर 3 वर्किंग डे के अंदर उसने न तो नोटिस इश्यू किया, नहीं उसने सर्टिफिकेट दिया आपको, तो ये मान लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया बेटा. मतलब 3 वर्किंग डे में या तो रजिस्ट्रेशन आपको एप्लीकेशन दे दे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे दे, या फिर आपको नोटिस दे दे कि भाई हमको ये क्लेरिफिकेशन चाहिए या फर्दर इन्फॉर्मेशन और चाहिए. 3 दिन में कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लेंगे रजिस्ट्रेशन हो गया. क्लियर? ओके अब मान लो उसने आपको नोटिस दे दिया 3 दिन के अंदर, तो आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा, क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा, जवाब देने पड़ेंगे, इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे विद इन नेक्स्ट 7 डेज. और अगर 7 वर्किंग डे में अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी तो ठीक है, नहीं दी तो आपकी एप्लीकेशन क्या हो जाएगी, रिजेक्ट. अगर आपने इन्फॉर्मेशन दे दी उसको वो चेक करेगा और उसको लगता है कि एवरीथिंग इज ओके, तो
तो विद इन 7 वर्किंग डे आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और अगर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देगा और आपका रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगा। या फिर सर उसने 7 वर्किंग डे में या तो कैंसिल कर देगा या फिर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देगा, पर आपकी रिप्लाई के 7 वर्किंग डे में उसने कोई रिप्लाई नहीं दी आपको, तो ऐसे केस में ये मान लेंगे डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन मान लिया जाएगा बेटा। क्लियर? पक्का? डन। ओके बच्चों, एक बात और सर, मैंने आपको बताया अभी भी कि नवंबर 20 के लिए आधार ऑथेंटिकेशन कंपलसरी हो गया, पर अगर किसी, अब ये बात जो बोल रहा हूँ केवल नवंबर 20 के लिए एप्लीकेबल है, अगर किसी एसएससी का आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया, वो फेल हो गया या आधार नंबर उसके पास नहीं है, तो ऐसे केस में एक अल्टरनेट वायबल मीन्स भी दे रखा है उसको, और वो बोला है क्या, ऐसे केस में जब वो अप्लाई करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए, आधार ऑथेंटिकेशन उसका नहीं हो पाया, तो जिस दिन उसने अप्लाई किया रजिस्ट्रेशन के, उसके 60 दिन के अंदर अंदर 60 दिन के अंदर अंदर क्या होगा, प्रॉपर ऑफिसर उसके प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एसएससी। क्लियर? और उसकी रिपोर्ट वो कॉमन पोर्टल पे अपलोड करेगा, और फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद ही उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको दिया जाएगा, और यहां पर डीम्ड अप्रूवल ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का प्रोविजन अप्लाई नहीं होता है ना बेटा, 3 दिन में डीम्ड अगर सर्टिफिकेट नहीं दिया तो मान लेंगे कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, ये पॉइंट यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा क्योंकि आपका आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया था, पर ये वाला पॉइंट नवंबर 20 या उसके बाद वाले अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है। जुलाई 20 अगर आपका एग्जाम है तो उसके लिए ये पॉइंट एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि आधार ऑथेंटिकेशन अभी आया 1 अप्रैल 2020 के बाद। ओके बच्चों, सुनो बच्चों ध्यान से, अब कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन करते वक्त, पैन नंबर देना पड़ेगा, वैलिड मोबाइल नंबर देना पड़ेगा, ईमेल आईडी देना पड़ेगा, जो भी डॉक्यूमेंट जो कंपलसरी उन्होंने मांगे पोर्टल पे पार्ट बी फिल करते वक्त, वो सब इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, प्लेस ऑफ बिजनेस, जुरिस्डिक्शनल डिटेल्स, वैलिड बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड आईएफएससी कोड ऑफ द बैंक एंड एटलीस्ट 1 प्रोपराइटर पार्टनर डायरेक्टर ट्रस्टी कर्ता मेंबर विथ कॉरस्पॉन्डिंग पेन एंड एन ऑथराइज सिग्नेटरी इन इंडिया। क्लियर? इंक्लूडिंग पेन, ये सब आपको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ओके सर, अब एक और बात अब ध्यान देना बेटा, सर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद एज पर रूल नंबर 25 रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद प्रॉपर ऑफिसर चाहे तो, अगर उसको लगता है कि मेरे को फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए प्रीमाइसेस का, तो वो कर सकता है भले कोई भी कारण हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब जिनके नवंबर 20 एग्जाम्स है उनके लिए पॉइंट क्या ऐड हो गया रूल नंबर 25 में कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद तो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है, पर अगर आधार ऑथेंटिकेशन नहीं हो पाया या फेल हो गया आधार ऑथेंटिकेशन में, तो ऐसे केस में फिजिकल वेरिफिकेशन करेगा बिफोर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, और फिजिकल वेरिफिकेशन उसकी प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस पे होगा इन द प्रेजेंस ऑफ द एसएससी होगा बेटा। क्लियर? समझे मेरी बात? और हाँ, जब फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाएगा उसके 15 वर्किंग डे के अंदर वहाँ की फिजिकल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट इंक्लूडिंग फोटोग्राफ जो भी उसने लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करते वक्त वो अपलोड कर देगा कॉमन पोर्टल में, जिसको आप भी एक्सेस कर सकते हो। ओके, ये हो गया फिजिकल वेरिफिकेशन वाली बात। अच्छा, अब बात करूँ क्या आधार ऑथेंटिकेशन किनको करवाना है, नवंबर 20 या उसके बाद जिनके एग्जाम से वो सुनेगा इस बात को, जुलाई 20 वाले स्किप कर सकते इस बात को। सर आधार ऑथेंटिकेशन करवाना कंपलसरी किनके लिए, इंडिविजुअल के लिए, देन ऑल टाइप्स ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी के लिए, देन मैनेजिंग और ऑथराइज पार्टनर्स के लिए, और कर्ता ऑफ एचयूएफ के लिए। इनके अलावा इन सबको आधार ऑथेंटिकेशन कराना कंपलसरी है। पर हाँ, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो, अगर आप इंडियन सिटीजन नहीं हो या इन चार लोगों के अलावा कोई और पर्सन हो, तो आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कराना है। क्लियर? पक्का बच्चों? डन। पॉइंट खत्म होता है। अब सर बात आती है क्या, अब आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया तो 15-डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होगा बेटा, फर्स्ट 2 स्टेट कोड होंगे, नेक्स्ट 10 पेन नंबर होंगे, देन एक आपका एंटिटी कोड होगा एंड 2 आपके चेकसम होंगे बेटा आपके। ओके सरकार, अब ध्यान देना, आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल गया, सर्टिफिकेट को क्या करना पड़ेगा आपको, आपके प्लेस ऑफ बिजनेस के बाहर के प्रोमिनेंट प्लेस पर प्लेस करना पड़ेगा, प्लस रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा आपका जो साइन बोर्ड लगा है दुकान का नाम जो लिखा है वहाँ पे आपको पेस्ट करना पड़ेगा कि ये मेरा नंबर है। क्लियर? प्लस सर आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने के डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन के 45 डेज के अंदर ना बेटा आपको बैंक अकाउंट डिटेल भी देनी पड़ेगी बेटा, ध्यान देना, डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन या द डेट ऑन विच द रिटर्न इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड अंडर सेक्शन नंबर 39। क्लियर? उसका जो ड्यू डेट रहता है वो विच एवर इज अर्लियर, तो 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन और द डेट द ड्यू डेट जब आपको रिटर्न फाइल करना पड़ता है विच एवर इज अर्लियर, उसके 45 डेज के अंदर आपको बैंक अकाउंट डिटेल देनी पड़ेगी। क्लियर? प्लस ये बैंक अकाउंट डिटेल अगर आपने नहीं दी तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने का पावर है ऑफिसर के पास बेटा। और हाँ, ये बैंक अकाउंट देने की रिक्वायरमेंट नहीं है उन लोगों को जिन पे TDS और TCS की वजह से रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आई थी, प्लस अगर गवर्नमेंट ऑफिसर ने आपका कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कर दिया तो ऑब्वियस बात है वहाँ तो आपके पास फाइट करने का ऑप्शन है, इसलिए 45 डेज का टाइम वहाँ पे अप्लाई नहीं होता है, बैंक अकाउंट इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत वहाँ पे नहीं है। ओके, देन आता है क्या सरकार, ये हमने बात कर ली क्या किसको रजिस्ट्रेशन कराना है, किसको रजिस्ट्रेशन नहीं कराना और कैसे कराना है रजिस्ट्रेशन बेटा, प्लस कैजुअल टैक्स पर्सन और एनआरडी भी पढ़ लिया हमने। आइए सेक्शन 28 की तरफ, अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर किसी वजह से आपको
सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में अमेंडमेंट करना है, तो जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट आ रही है उसके 15 डेज के अंदर आप रजिस्ट्रेशन, आप चेंज ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप कॉमन पोर्टल पर जाएंगे, आप अमेंडमेंट इन रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेंगे, अगर नॉन कोर फील्ड था तो आप जैसे ही अमेंड करेंगे अमेंड हो जाएगा बेटा, क्लियर। मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी चेंज करना है तो ओटीपी आएगा और चेंज हो जाएगा बेटा। पर अगर कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन चेंज करना है, अच्छा कोर फील्ड ऑफ इन्फॉर्मेशन मतलब लीगल नेम ऑफ द बिजनेस चेंज हो रहा है, या जो मैनेजिंग पार्टनर है आपका, या ऑथराइज सिग्नेटरी है, या डायरेक्टर हो गए, कर्ता, मैनेजिंग कमेटी, सीईओ, ये लोग चेंज हो रहे हैं जो डे टू डे अफेयर्स ऑफ द बिजनेस के लिए लायबल है, ये चेंज हो रहा है, या एड्रेस ऑफ द एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस या प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस चेंज हो रहा है, तो इन सब के केस में आपकी एप्लीकेशन विल बी फॉरवर्डेड टू प्रॉपर ऑफिसर अमेंडमेंट के लिए, और वो एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन को और विद इन 15 डेज आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अमेंड करके दे देगा, या फिर विद इन 15 डेज आपको वो नोटिस दे देगा कि मेरे को फर्दर ये इन्फॉर्मेशन और चाहिए, ये क्लेरिफिकेशन और चाहिए, पर 15 वर्किंग डे में कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लेंगे रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन अमेंड हो गई है, क्लियर। कोर फील्ड के केस में बेटा, नॉन कोर एरिया के केस में तो ऑटोमेटिक वो क्या हो जाती है, अमेंड हो जाती है, आप जैसे अप्लाई करते हो वैसे ही, ओके। अब साहब मान लो उसने नोटिस लिखा, आपने उसका रिप्लाई दिया, आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद नेक्स्ट 7 वर्किंग डे, और 7 वर्किंग डे में आपने रिप्लाई नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट रिजेक्ट हो जाएगी। अगर उसने नोटिस लिखा उसे 7 वर्किंग डे में आपको रिप्लाई देना है, रिप्लाई नहीं दिया तो रिजेक्ट, रिप्लाई दिया तो फिर वो वापस अगेन 7 वर्किंग डे के अंदर अप्रूव करेगा कि ये रिप्लाई सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। अगर 7 डेज में कोई उसने रिप्लाई नहीं दिया, ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया तो मान लेंगे कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो गई, पर अगर 7 वर्किंग डे में अगर उसको लगता है कि मामला गड़बड़ है तो वो चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है आपकी एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट, या वो चाहे तो उसको लगता है सब कुछ ओके है तो अप्रूव कर देगा एप्लीकेशन फॉर अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, क्लियर, डन। सरकार नेक्स्ट पॉइंट है क्या, कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन या रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन, सर रिवोकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बेटा, सेक्शन नंबर 29 एंड सेक्शन नंबर 30। सर कैंसिलेशन की बात कब आएगी, दो केस में, या तो ऑफिसर कैंसिल कर रहा है या एसएससी खुद कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर रहा है। अच्छा सर एसएससी कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कब करेगा, या ऑफिसर कब कैंसिल करेगा, या तो बिजनेस डिसकंटिन्यू हो रहा है बेटा और आपको लगता है कि साहब अब मेरा बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है और मैं लायबल टू रजिस्ट्रेशन नहीं, तो रजिस्ट्रेशन सरेंडर कर दो बेटा, या फिर आपने अपना बिजनेस क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया फुली किसी और को, या अमलगमेंट हो गया, या डीमर्ज हो गया आपका बिजनेस, या किसी वजह से डिस्पोज ऑफ हो गया, क्लियर, या पार्टनरशिप बन रही है, अब क्या हो गया, पैन नंबर चेंज हो रहा है, मतलब प्रॉपर्टीशिप बन रही है या कंपनी बन रही है बेटा, चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया बेटा, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, कैंसिलेशन के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर आपको लगता है कि अब मैं मेरा टर्नओवर 20 लाख क्रॉस नहीं हो रहा है, या मैं कोई इंटरस्टेट सप्लाई या इस तरह का कोई काम नहीं कर रहा हूं जिसकी वजह से मैं लायबल हूं रजिस्ट्रेशन के लिए बेटा, तो आप चाहे तो कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर अब ऑफिसर कब कैंसिलेशन करेगा आपका कंपलसरी बेटा, ये तो आपने अप्लाई कर दिया बेटा, ये सब इवेंट में कैंसिलेशन हो गया होगा, भले ऑफिसर करे आप करें, आपको अप्लाई करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना चाहते हो बेटा, नहीं तो नील रिटर्न फाइल करना पड़ेगा आपको बिजनेस बंद होने के बाद भी अगर रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कराया तो। अब ऑफिसर कब कैंसिल कर सकता है आपका रजिस्ट्रेशन ऑन इज ओन, अगर आपने कुछ कॉन्ट्रावेशन किया, कॉन्ट्रावेशन कौन कौन सा बेटा, दिल थाम के सुनने का बहुत भारी पॉइंट है बेटा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन कैंसिल मतलब अब आप अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गए और उसके बाद भी अगर आप दुकान कंटिन्यू करते हो, सप्लाई करते हो, अगर आपका टर्न ओवर मोर देन 20 लाख है और आप लायबल टू रजिस्टर हो, और अगर डिपार्टमेंट आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो ऐसे केस में ध्यान ना आपको टैक्स भी पे करना पड़ेगा, कस्टमर से टैक्स भी नहीं ले पाएंगे, आपको ITC भी नहीं मिलेगा, कस्टमर को ITC नहीं मिलेगा, दुकान बैंड में जाएगी बेटा, और 100% टैक्स इन्वॉल्व, पेनल्टी भी और पे करना पड़ेगा अगर आपने सप्लाई किया तो। इसलिए कैंसिलेशन रजिस्ट्रेशन इज वेरी सीरियस स्टेप बेटा, सुनना बच्चों ध्यान से। फर्स्ट क्या क्या कॉन्ट्रोवर्शन जो रूल नंबर 21 में लिखे, ही डज नॉट कंडक्ट एनी बिजनेस फ्रॉम द डिक्लेयर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, या फिर ही इश्यूज बोगस बिल वगैरह बेटा विदाउट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, या फिर सर आपने एंटी प्रॉफिटिंग प्रोविजंस के प्रोविजन को फॉलो नहीं किया सेक्शन 171 के अकॉर्डिंग, एंड अगर आपने 45 डेज के अंदर बैंक अकाउंट डिटेल नहीं दी जो मैंने पढ़ाया भी जैसे आपको, सर देन अ रजिस्टर्ड पर्सन जिसने 6 कंटिन्यूस मंथ तक रिटर्न फाइल नहीं करी, रिटर्न मतलब GST-R3 भी बेटा, अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड, जैसे अभी कंपोजिशन स्कीम में GST-R4 एनुअली फाइल करना पड़ता बेटा, CMP-08 जो है वो तो स्टेटमेंट है जो टैक्स पे करने के होता है, रिटर्न की बात करिए बेटा, रिटर्न मतलब GST-R4 कंपोजिशन स्कीम, 3 कॉन्जिक्यूटिव टैक्स पीरियड मतलब 3 साल तक कंटिन्यूस आपने रिटर्न सबमिट नहीं किया कंपोजिशन स्कीम में, या फिर वॉलंटरी रजिस्टर्ड पर्सन हो और 6 महीने से आपने बिजनेस कमेंस नहीं किया। नेक्स्ट सर आपने कोई भी विलफुल सप्रेशन ऑफ फैक्ट किया या फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करी टू इवेड द टैक्स, तो ऐसे केस में आपका रजिस्ट्रेशन इज लायबल टू बी कैंसल्ड। पर हाँ जब भी कैंसिलेशन की बात आएगी, एक बार आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर देंगे, सरेंडर कर देंगे टेम्प्रेरी, फिर आपका केस इवेल्युएट होगा और उसके बाद कैंसिलेशन होगा बेटा। अब प्रोसीजर ऑफ कैंसिलेशन क्या होता है बेटा, रूल नंबर 20, 21A और 22 क्या कहता है बच्चों, सुनना ध्यान से। अगर आप कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो सर आपकी एप्लीकेशन होगी बेटा कैंसिलेशन की, कॉमन पोर्टल के थ्रू आप अप्लाई करेंगे, प्लस सर
जिस दिन वो इवेंट हुआ जिसकी वजह से कैंसिलेशन की रिक्वायरमेंट आ रही है उसके 30 डेज के अंदर आप अप्लाई कर देंगे कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए. सेकंड सर, जब आपने अप्लाई किया है तब आप स्टॉक का स्टेटमेंट भी सबमिट करेंगे. और याद है बेटा, वेन एवर पर्सन सीजीएसटीबी टैक्सेबल पर्सन, तो जितने भी इनपुट जितने भी गुड्स या कैपिटल गुड्स उसके पास होते हैं जिनका उसने आईटीसी लिया होता है परचेज पे, ये सब मान लेते हैं उसने खुद ने खुद को सप्लाई कर दी है. और ऐसे केस में उन सब पे जो जीएसटी पे परचेज पे जो टैक्स पे किया था उसका आईटीसी या एक्चुअल टैक्स पेबल ऑन ओपन मार्केट वैल्यू ऑफ द गुड सोल्ड विच एवर इज हायर, उतना उसको टैक्स पे करना पड़ता है. जो हमने आईटीसी चैप्टर पढ़ा था बेटा, क्लियर, वो स्टॉक स्टेटमेंट देना पड़ेगा. और आईटीसी अगर रिवर्स करना था तो उसने रिवर्स किया होना चाहिए बेटा, क्लियर. और उसकी एप्लीकेशन देने के बाद अगर डिपार्टमेंट लगता है कि कोई ड्यूज इसके बाकी नहीं है, सारे ड्यूज वगैरह पूरे हो गए, तो उसके 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा कि यस तुम्हारा रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, कैंसिल. अब बात कर रहा हूँ कब, जब ऑफिसर कैंसिल करता है वायलेशन वगैरह आपने किए और डिपार्टमेंट अगर आपका रजिस्ट्रेशन क्या कर रहा है कैंसिल, तो प्रोसेसर क्या होगा, सबसे पहले आपको शो कॉज नोटिस दिया जाएगा अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड, जिसका आपको रिप्लाई देना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 7 डेज. और 7 डेज में अगर आपने जब नोटिस आपको मिल गया उसके 7 डेज में आपने रिप्लाई कर दिया, तो उसके 30 दिन के अंदर डिपार्टमेंट सोचेगा कि आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है कि नहीं करना है, और 30 दिन के अंदर वो ऑर्डर पास कर देगा. और हाँ, देन ना कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट ऑन रिकवरी ऑफ टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी वगैरह. अगर कुछ ड्यूज आपके बाकी तो वो आपसे रिकवरी कर सकते हैं, भले वो पहले करे या बाद में करे, कर सकते हैं बेटा, भले रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया है कैंसिल, क्लियर, डन. सर अब आ रहा है सस्पेंशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. सर सस्पेंशन क्या होता है, देखो बच्चो, आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या फिर डिपार्टमेंट ने कैंसिलेशन करने की कोशिश करी बेटा, इस केस में क्या होता है, अब प्रोसेस पूरा होने में कैंसिल होने में टाइम लगेगा बेटा. मीन वाइल ये मान लेंगे आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया है, सस्पेंड हो गया है. अच्छा सस्पेंड हो गया है, इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आप कस्टमर से टैक्स नहीं ले सकते, प्लस आपको रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. यू कैन नॉट मेक एनी टैक्सेबल सप्लाई और यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल एनी रिटर्न अंडर जीएसटी जब तक आपका कैंसिलेशन नहीं होता है. अब मान लो फाइनली कैंसिल हो गया, भाई आपने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया या डिपार्टमेंट कैंसिलेशन का प्रोसीजर शुरू किया था बेटा, सस्पेंड हो गया, बाद में फाइनली डिसाइड हो गया कैंसिल करना है, तो बस आपने ना टैक्स कलेक्ट किया ना टैक्स पे करना आपको बेटा कस्टमर से, और कोई रिटर्न फाइल वैसे भी नहीं करना. पर अगर मान लो कैंसिलेशन नहीं हुआ, आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं हुआ, अब मीन वेल जो आपने सप्लाई किया उन पर टैक्स कलेक्ट नहीं किया, आपने टैक्स इन्वॉइस इशू नहीं किया कस्टमर को, ना रिटर्न फाइल किया, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देखे बोल दिया है कि आप रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू कर सकते हो. याद है बेटा, जब नए रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो तो रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू होता है, जो सप्लाई अब तक कर चुके हो उनका रिवाइज टैक्स इन्वॉइस इशू करके उन कस्टमर से टैक्स ले सकते हो बेटा. प्लस जो अब नेक्स्ट रिटर्न फाइल करोगे उसको फर्स्ट रिटर्न की तरह ट्रीट कर लेंगे, और जो इस पीरियड में सस्पेंशन की पीरियड में जो आपने सप्लाई किया उस रिटर्न के अंदर सब कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के आप टैक्स पे कर सकते हो बच्चों. तो फर्स्ट रिटर्न के प्रोविजन और रिवाइज टैक्स इन्वॉइस के प्रोविजन यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे अगर सस्पेंशन हुआ था आपका रजिस्ट्रेशन का और कैंसिलेशन नहीं हुआ तो, क्लियर. देन आता है क्या आईटीसी रिवर्सल कितना करना है, मैं आपसे बात ऑलरेडी कर चुका हूँ बेटा. अब आ रहा है क्या सर कुछ अदर पॉइंट, कि अगर आप यूएन होल्डर हो तो आप कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो सर. देन अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया सीजीएसटी में या यूटीजीएसटी में, तो मान लेंगे सीजीएसटी में भी हो गया और वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा. नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट सेक्शन, लास्ट सेक्शन आ रहा है रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन. मान लो आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया, आपका रजिस्ट्रेशन क्या हो गया कैंसिल, आप बोलते हो साहब प्लीज आप माफ कर दो साहब, तो ऐसे केस में वो सेक्शन है और सेक्शन क्या बोलता है कि अगर आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया है तो जिस दिन ऑर्डर ऑफ कैंसिलेशन आपको मिला है उसके 30 डेज के अंदर आप रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो. पर रिवोकेशन से पहले जो भी डिफॉल्ट आपके थे, जैसे रिटर्न फाइल नहीं किए, टैक्स पे नहीं किया, वो सब पूरे करो, टैक्स पे करो, इंटरेस्ट पे करो, लेट फी पे करो, पेनल्टी पे करो, जो आपका ड्यू बाकी था सब पे करो, उसके बाद हम सोचेंगे, क्लियर. आप जब ये सब कुछ पे करके हमारे पास आएंगे फिर हम सोचेंगे, आपने एप्लीकेशन दी रिवोकेशन की हम सोचेंगे. अब हमको अगर रिजेक्ट करना है तो पहले आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड देंगे बाय वे ऑफ इश्यू ऑफ शो कॉज नोटिस, उसका आप रिप्लाई देंगे विद इन नेक्स्ट 7 डेज, और उसके बाद हमको लगेगा कि रिवोक करना है तो रिवोक करेंगे, हमको लगता है नहीं करना तो नहीं करेंगे, और ये ऑर्डर जो भी पास करना है वो आपके रिप्लाई के 30 दिन के अंदर हम ऑर्डर पास कर देंगे कि हमने रिवोकेशन ऑफ कैंसिलेशन किया या नहीं किया. और जो भी ऑर्डर पास किया सीजीएसटी एक्ट में वही एप्लीकेबल होगा एसजीएसटी और यूटीजीएसटी में, वाइस वर्सा ऑल्सो बेटा, क्लियर, डन. भारत माता की जय. अच्छा एक और सर्कुलर था कि अभी प्रॉपर्टी की डेथ हो जाए तो ऐसे केस में आईटीसी का क्या होगा, नए रजिस्ट्रेशन का क्या होगा. अगर प्रॉपर्टी की डेथ हो जाती है बेटा तो ऐसे केस, हमको पता है कि सारा बिजनेस सारे असेट्स ट्रांसफर होते किसको, लीगल हायर को बेटा. अब दो केस बनेंगे, बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा. अगर बिजनेस कंटिन्यू नहीं हो रहा है तो ऐसे केस में कोई नई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है और जो डिसीज पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल कराना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 30 डेज बेटा, क्लियर, डन. सेकेंड बात सर, लाइबिलिटीज वगैरह पे करनी पड़ेगी बेटा, तो जितनी भी लाइबिलिटी आएगी वो लाइबिलिटी किसकी हो जाएगी बेटा, लीगल हायर की हो जाएगी बेटा.
और लीगल हायर को सारी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी, पर लीगल हायर विल बी लाइबल टू पे लाइबिलिटी बट मैक्सिमम सब्जेक्ट टू कितना अमाउंट, उतना ही अमाउंट की लाइबिलिटी उसकी आएगी जितनी प्रॉपर्टी उसको पास होनी इन इनहेरिटेंस बेटा। ओके, पर केस नंबर टू अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो ऐसे केस में ट्रांसफर को नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और जो डिसीज पर्सन है उसका रजिस्ट्रेशन क्या करना पड़ेगा, कैंसिल विद इन 30 डेज बेटा। ओके, अब नया रजिस्ट्रेशन करा दिया तो जीएसटी आईटीसी 02 नंबर का फॉर्म फिल करके ट्रांसफर के यहाँ से सारा आईटीसी पास हो जाएगा, किसको, ट्रांसफर को, और बिजनेस कंटिन्यू हो जाएगा और आईटीसी यहाँ पास हो जाएगा बेटा। क्लियर, समझे मेरी बात बेटा। और सीए का सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होगा, सीए कॉस्ट अकाउंटेंट का, कि यहाँ पे आईटीसी पास हुआ है, इस वजह से पास हुआ है साहब। अरे क्लियर, पक्का बच्चों माहौल। और हाँ, अगर लाइबिलिटीज बाकी है डिसीज पर्सन की तो जो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है उसको सारी लाइबिलिटी पे करनी पड़ेगी बच्चों। क्लियर, डन। ये रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग सारे प्रोविजन खत्म होते हैं। अब लास्ट दो पॉइंट इस चैप्टर के अंदर मैंने रखे, टीडीएस और टीसीएस। दिल थाम के सुनना बड़ा, टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट एजेंसी है, लोकल अथॉरिटी है, एनी अदर पर्सन को नोटिफाई कर सकती है, नोटिफाई करके बोल सकती है कि यहाँ पे टीडीएस अप्लाई होंगे। अब एट प्रेजेंट किन किन लोगों को टीडीएस काटने की रिक्वायरमेंट आती है जीएसटी के केस में, सर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी, इनके डिपार्टमेंट या इनके एस्टेब्लिशमेंट, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंट गवर्नमेंट गवर्नमेंटल एजेंसी या एनी अदर नोटिफाइड पर्सन। और नोटिफाइड पर्सन कौन है, ऐसी कोई सोसाइटी विच इज सेटअप बाय गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी ने कोई सोसाइटी एस्टेब्लिश करी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग या एनी अथॉरिटी और बोर्ड और एनी अदर बॉडी सेटअप बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर या एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट। पर ये बॉडी कौन सी होनी चाहिए, ऐसी बॉडी जिसमें 51% और स्टेक किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट का है बेटा। हाँ है ना, क्लियर। गवर्नमेंट का अगर स्टेक है 51% और मोर तो वो बॉडी क्या करेगी, टीडीएस के लायबल है। सेकंड, सोसाइटी एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट, क्लियर। थर्ड सर, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, देन गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट हो गए, गवर्नमेंटल एजेंसीज हो गई, लोकल अथॉरिटी हो गई, ये सब टीडीएस काटने के लिए लायबल है। अब सुनना बेटा, टीडीएस काटने के लिए लायबल तो है पर कब लायबल है, क्लियर। उसके पहले एक एक्सेप्शन हो रहा बेटा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, फिर भी इसको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट सर्टेन डिपार्टमेंट। ओके, सेकंड बात, और अगर जितने भी लोग मैंने आपको बताया कि इनको टीडीएस काटना है, इन्हीं लोगों को आपस में सप्लाई करी, जैसे पीएसयू ने गवर्नमेंट को सप्लाई किया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, या पीएसयू ने पीएसयू को ही सप्लाई किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने दूसरी किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को सप्लाई किया, तो अगेन टीडीएस की जरूरत नहीं है। ओके, अगली बात, अब टीडीएस काटेंगे तो कौन से ट्रांजेक्शन काटेंगे बेटा, ये बोला है बच्चों, अगर कोई सप्लायर ने टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस, आई रिपीट एग्जेम्ड गुड्स या एग्जेम्ड सर्विस केस में टीडीएस नहीं लगता है, टैक्सेबल गुड्स, और इसलिए आपको मेगा एग्जेम्स लिस्ट याद होनी चाहिए। सर एक बड़ा क्वेश्चन दे देंगे, उसमें दो तीन ट्रांजेक्शन क्या होंगे, ऐसे होंगे जो एग्जेम्ड है जीएसटी से, तो हाँ टीडीएस नहीं लगेंगे। तो सर अगर आप टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लेते हो किससे, गवर्नमेंट से, और आपने टैक्सेबल गुड्स या टैक्सेबल सर्विस सप्लाई किया किसको, ये गवर्नमेंट एजेंसी वगैरह जिनके मैंने नाम आपको बोले, इनको सप्लाई किया जहां पे कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज एक्सीडिंग ₹2.5 लाख विदाउट जीएसटी, जीएसटी के अलावा एक्सक्लूसिव जीएसटी 2.5 लाख से एक्सीड है, 2.5 लाख तो भी टीडीएस नहीं है, एक्सीडिंग 2.5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है टैक्सेबल गुड्स और टैक्सेबल सर्विस का, तो ऐसे केस में टीडीएस एप्लीकेबल होगा। और टीडीएस अगर एप्लीकेबल है तो जब जब आप सप्लाई करेंगे और उसका इनवॉइस रेज करेंगे, तो जब जब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या ये टीडीएस काटने वाले टीडीएस डायरेक्टर्स आपको पेमेंट करेंगे, तब तब 2% टीडीएस काटेंगे बेटा, 1% सीजीएसटी, 1% एसजीएसटी, और इंटरस्टेट सप्लाई तो 2% आईजीएसटी टीडीएस कट करेंगे। अब 2% किसका, वैल्यू ऑफ सप्लाई का विदाउट जीएसटी बेटा। तो जो आपने बिल लिखा होगा, जैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट 10 लाख का, आपने अभी बिल लिखा 1 लाख रुपए का, तो 1 लाख विदाउट जीएसटी बेटा, 1 लाख का 2% टीडीएस काट लेंगे। और ऐसे केस में जो टीडीएस उन्होंने काटा है उसका मंथली वो डिपॉजिट कराएंगे 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक, मंथली वो जीएसटी R7 सबमिट करेंगे, टीडीएस स्टेटमेंट, और जैसे वो जीएसटी R7 सबमिट करेंगे सर, जो टीडीएस उन्होंने काटा है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर में आपके आ जाएगा। और सर ध्यान देना बेटा, टीडीएस कट करने वाले लोगों को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है बच्चों। क्लियर, समझे मेरी बात। और हाँ, जब उन्होंने गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराया है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ने टीडीएस, उसके 5 दिन के अंदर आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे देंगे, और टीडीएस सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से पेनल्टी कितना है, 100 रुपी पर डे, सब्जेक्ट मैक्सिमम रुपीज 5000, ये सीजीएसटी की पेनल्टी बेटा। क्लियर, समझे। और अगर 10 तारीख के बाद इन्होंने टीडीएस जमा कराया है तो 18% पर एनम इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, पक्का। क्लियर, डन। और टीडीएस डायरेक्टर को सेपरेट रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ता है। ओके, ये सब बातें तो हो गई। एक बात और है बेटा, एक केस ऐसा है जिसमें टीडीएस एप्लीकेबल नहीं होता है, जहां पे सप्लायर, मैं सप्लायर हूं महाराष्ट्र का और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, पर जो रेसिपिएंट है, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जिसको टीडीएस कट करना है, वो किसी और स्टेट में है, वो तमिलनाडु में। मान लो मैंने तमिलनाडु के लिए, तमिलनाडु गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए
मुंबई महाराष्ट्र में सर्विस दी है, मैं भी महाराष्ट्र का हूँ और प्लेस ऑफ सप्लाई भी महाराष्ट्र है, तो मैंने बिल पे CGST और SGST लगाएगा मुंबई महाराष्ट्र का बेटा, क्लियर। तो ऐसे केस में तमिलनाडु गवर्नमेंट TDS नहीं कट करेगी, क्योंकि वो TDS जमा कैसे कराएगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। तो दिस इज द ओनली केस जहाँ पे TDS एप्लीकेबल नहीं होता, भली अमाउंट वैल्यू सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाए बेटा, क्लियर डन। सरकार पॉइंट खत्म होता है। अब सर ये हो गया प्रोविजन रिगार्डिंग TDS, सारे पॉइंट खत्म होते हैं। अब TDS सर्टिफिकेट जो होता है वो फॉर्म नंबर GSTR 7A होता है बेटा, ओके। आइए TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स सेक्शन 52। सर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स और सर्विस और बहुत सप्लाई कर रहे हो, जहाँ पेमेंट जो आता है कस्टमर जो पेमेंट करता है वो ECO के अकाउंट में जमा कराता है, और उसके बाद ECO आपका पीरियोडिकली अकाउंट सेटलमेंट करता है। तो ऐसे केस में जब ECO आपको पेमेंट करेगा तब वो 1% टैक्स कलेक्ट करके रिमेनिंग अमाउंट आपको पे करेगा, 0.5% CGST, 0.5% SGST और 1% IGST। अच्छा ये 1% किसका? वैल्यू ऑफ सप्लाई का विदाउट GST। और हाँ सर 1% किसका? नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई का, नेट वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ का। मतलब सर मान लो जनवरी 20 मंथ का वो आपका अकाउंट सेटलमेंट करके पेमेंट ट्रांसफर कर रहा है, तो जनवरी मंथ में जितना आपने सप्लाई किया ECO के थ्रू, जैसे अमेजोन इज द ECO, मंगल इज द सप्लायर एंड यू आर कस्टमर, तो मंगल ने सप्लाई किया थ्रू अमेजोन, आप सबने परचेज किया, तो बहुत सारे लोगों ने परचेज किया और बहुत सारे लोगों ने गुड्स रिटर्न भी किया होगा बेटा। तो ऐसे केस में वैसे आपको पता है मंगल क्वालिटी कभी रिटर्न नहीं होती, आपको पता है माहौल सर, पर हाँ नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, मतलब आपने सर मैंने मंगल ने अमेजन के थ्रू मान लो 100 टी शर्ट सेल की है और सर 10 टी शर्ट रिटर्न हो गए जनवरी मंथ में, तो नेट 90 सेल हुआ बेटा, तो नेट 90 वैल्यू का, 90 टी शर्ट की वैल्यू का वो 1% TCS कलेक्ट करके नेट अमाउंट मेरे को पे करेगा बेटा। सुनना बच्चों ध्यान से, अब उसने TCS कलेक्ट करना बेटा 1% किसका? वैल्यू का विदाउट GST बेटा, ओके। नेट वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई का विदाउट GST, ओके। अब वो टैक्स जो उसने कलेक्ट किया अगेन मंथली 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक गवर्नमेंट को डिपॉजिट कराएगा, लेट हो गया तो 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट बेटा। अब सुनना बच्चों ध्यान से, ऐसे केस में जो ECO है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बेटा, सप्लायर ऑफ गुड्स है उसको भी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन बेटा, पर सप्लायर ऑफ सर्विस को 20 लाख का बेनिफिट मिलता है भली TCS कलेक्ट हो रहा है, ओके। अब जो उसने TCS कलेक्ट किया है वो GSTR 8 सबमिट करेगा, और वो जो अमाउंट भले TDS का हो या TCS का, दोनों मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आ जाता है बच्चे, और वो अमाउंट मैं यूज़ कर सकता हूँ। अच्छा TCS में जो भी वो स्टेटमेंट सबमिट करेगा TCS स्टेटमेंट, उसके ट्रांजेक्शन और मेरे ट्रांजेक्शन जो मैंने GSTR 1 में बताए होंगे वो दोनों डिपार्टमेंट क्या करेगा? मैच करेगा, क्योंकि मैंने GSTR 1 में मेरी सेल दिखाई हुई आउटवर्ड सप्लाई, और उन्होंने भी जब TCS स्टेटमेंट सबमिट किया होगा तब उन्होंने ट्रांजेक्शन वाइज TCS स्टेटमेंट सबमिट किया बेटा, डिपार्टमेंट क्या करेगा? इनको मैच करेगा, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आया तो ऐसे केस में दोनों को नोटिस जाएगा, ECO को भी जाएगा और मेरे को भी जाएगा, डिस्क्रिपेंसी जो आएगी उसका नोटिस दोनों के पास गया। अगर ECO ने करेक्शन कर दिया तो ठीक है, नहीं तो माना जाएगा कि मामला सप्लायर का गड़बड़ है और वो सप्लायर के ट्रांजेक्शन में ऐड कर देंगे और सप्लायर को टैक्स पे करना पड़ेगा अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो इस तरह से टैक्स चोरी बचाने के लिए, टैक्स चोरी को कंट्रोल करने के लिए TCS के प्रोविजन आए बेटा, क्लियर। ये मैचिंग कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या? प्लस यहाँ पे बोल दिया है क्या कि एनी प्रॉपर ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डेप्यूटी कमिश्नर ECO से कभी भी स्टॉक स्टेटमेंट या सप्लायर कौन कौन आपके थ्रू सप्लाई करता है उन सबका इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, और ECO को सप्लाई करना पड़ेगा वो सारा इन्फॉर्मेशन सर। और ECO ने अगर वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया विद इन नेक्स्ट 15 वर्किंग डे तो 25,000 तक का पेनल्टी ECO पे लग सकता है, 25,000 CGST एक्ट में बेटा, क्लियर। और सारी इन्फॉर्मेशन ECO को देनी पड़ेगी बच्चा, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय। एक नवंबर 20 के लिए छोटा सा अमेंडमेंट हुआ है, अमेंडमेंट नहीं हुआ है, यहाँ गवर्नमेंट को एक पावर दिया, कमिश्नर को पावर दिया कि वो चाहे तो TCS स्टेटमेंट सबमिट करने का ड्यू डेट एक्सटेंड कर सकता है, प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को एनुअली एक एनुअल TCS स्टेटमेंट भी सबमिट करना पड़ता है फाइनेंशियल खत्म होने के बाद 31 दिसंबर या उससे पहले पहले, और कमिश्नर चाहे तो उस डेट को भी एक्सटेंड कर सकता है। ये पावर ऐड कर दिया सर सेक्शन के अंदर। वैसे नवंबर 20 एग्जाम्स के लिए पॉइंट एप्लीकेबल है, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं, पर हाँ उससे पहले भी कमिश्नर ने अपना पावर यूज करके, स्पेशल पावर गवर्नमेंट अपना यूज करके ड्यू डेट को एक्सटेंड किया ही बेटा, बस एक्ट का अथॉरिटी यहाँ पे दे दिया, एक्ट का पावर यहाँ दे दिया एक्सटेंशन देने का बेटा, क्लियर। पक्का बच्चों माहौल, पॉइंट खत्म होता है। अब ध्यान रखना एक बात और मैं आपसे कहता हूँ, एक सर्कुलर और आया था बेटा टी बोर्ड ऑफ इंडिया, चाय टी बोर्ड ऑफ इंडिया ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना रखा है, तो इस पर सर्कुलर था कि यहाँ पे TCS एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा। अब टी बोर्ड ऑफ इंडिया जो होता है वो क्या करता है, इसने एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म बना रखा है जहाँ पे सप्लायर भी आते हैं, बायर भी आते हैं, और ऑक्शनियर जो ऑक्शन कराता है वो भी आता है। अभी सब इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के थ्रू ही ट्रांजेक्शन करते हैं, तो सर जब सप्लायर पेमेंट करता है तो पहले ECO जो टी बोर्ड ऑफ इंडिया है उसके बैंक में पैसा जाता है, और उसके बाद वो सर रेसिपिएंट जब पेमेंट करता है तब ECO के पेमेंट ECO के अकाउंट में पहले पैसा जाता है, और फिर वो सप्लायर का अकाउंट सेटलमेंट करता है बाय मेकिंग पेमेंट टू हिम। तो ऑब्वियस ही बात है
टी बोर्ड ऑफ इंडिया हो या कोई भी हो, जब ईसीओ के थ्रू सप्लाई होता है और रेसिपिएंट जब पेमेंट करता है वो पहले ईसीओ के अकाउंट में जाता है, फिर अकाउंट सेटमेंट होता है किसके लिए, सप्लायर के लिए। तो ऐसे केस में हमें टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा, इसलिए यहां बोल दिया कि टीसीएस आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। टी बोर्ड ऑफ इंडिया के केस में टीसीएस एप्लीकेबल है। सेकंड, ऑक्शनियर जब ऑक्शन करता है तो वो भी तो अपना कमीशन लेता है बेटा, तो उसका जो कमीशन होता है अगेन जो रेसिपिएंट ऑफ सर्विस है वो क्या करता है, टी बोर्ड ऑफ इंडिया के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करता है, और उसके बाद टी बोर्ड ऑफ इंडिया इनका अकाउंट सेटलमेंट करके ऑक्शनियर को अपना कमीशन ट्रांसफर करती है। तो अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस हो गया, थ्रू ईसीओ हो गया, जहां पेमेंट पहले ईसीओ का अकाउंट मर रहा है, तो अगेन यहां पे भी टीसीएस एप्लीकेबल होगा उसके ब्रोकरेज के अमाउंट पे। क्लियर? और इसी के साथ पूरा भारत माता की जय, पूरा चैप्टर नंबर 10 खत्म होता है अब। रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, टीडीएस और टीसीएस खत्म होता है अब। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सर।